दोस्तों, मेरे एक दोस्त ने मुझे आज बताया कि भाई मैंने एक एमएस वर्ड पे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट बनाया था जो मुझे स्कूल में सबमिट करना था, लेकिन मेरे छोटे भाई ने उस डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजेस कर दिया। मतलब मेरे बिना परमिशन के जो मैं डॉक्यूमेंट बनाया था एमएस वर्ड पे, उसे वो ओपन करके उसमें कुछ बदलाव कर दिया, जिस वजह से मेरा सारा काम बिगड़ गया। क्या ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं अपने एमएस डॉस में कुछ भी डॉक्यूमेंट बनाऊं, उससे मैं सिक्योर कर सकूं, मेरे अलावा उसे कोई और ओपन ना कर सके? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सिंपल सा जवाब है कि ऐसे बहुत से ऑप्शन हैं जिसे यूज करके आप अपने डॉक्यूमेंट को सिक्योर कर सकते हो। चलिए, आज मैं आपको उसी में से एक, अपने डॉक्यूमेंट को, अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को सिक्योर करने का एक मैं आपको तरीका बताता हूं, जिसका यूज करके आप अपने बनाए हुए डॉक्यूमेंट को पूरी तरह से सिक्योर कर सकते हो, आपके परमिशन के बिना। आपके द्वारा बनाया गया डॉक्यूमेंट को खोलना तो दूर की बात, कोई छू भी नहीं सकता। तो दोस्तों, आज की सिक्योरिटी में मैं बता रहा हूं, आपको बताने जा रहा हूं कि अपने बनाए हुए डॉक्यूमेंट पे, फाइल पे, या जो भी आप एमएस वर्ड में बना रहे हैं, उस पे पासवर्ड कैसे लगाएं। मतलब आप उस पे पासवर्ड लगाओगे, पिन इंटर करोगे, तभी वो आपका डॉक्यूमेंट जो है वो खुलेगा। आपके परमिशन के बिना बिना उस डॉक्यूमेंट को कोई और ओपन नहीं कर पाएगा जब तक वो सही पिन इंटर ना करे। तो चलिए, मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में कि एमएस वर्ड में पासवर्ड कैसे लगाया जाता है। चलिए, पहले मैं आपको एक एमएस वर्ड का, कोई मान लीजिए मैंने ये सर्टिफिकेट बनाया है दोस्तों एमएस वर्ड पे, पहले मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ये सर्टिफिकेट मैंने बनाया है, मैं चाह रहा हूँ कि भैया इस सर्टिफिकेट को मेरे अलावा कोई और ओपन ना करे, इसमें किसी भी तरह का बदलाव ना करे। तो दोस्तों, ऐसा करने के लिए एमएस वर्ड में बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं जिससे आप अपने इस डॉक्यूमेंट को सिक्योर कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सबसे सटीक और सबसे इजी तरीका बताता हूँ पासवर्ड लगाने का। तो पासवर्ड कैसे लगेगा दोस्तों, जिस डॉक्यूमेंट पे आपको पासवर्ड लगाना है, उस डॉक्यूमेंट को ओपन करना है, फिर आपको यहाँ पे फाइल मेनू में जाना होगा। मैं आपको सही से दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको फाइल मेनू का एक ऑप्शन दिखेगा, फाइल मेनू पे क्लिक करना है दोस्तों, तो ऐसा कुछ खुल के आएगा। आप यहाँ पे आप देख सकते हो, दूसरा ऑप्शन है परमिशंस, सिंपली आपको यहाँ पे प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है भैया कि आप अपने डॉक्यूमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पे सीधे आप करते हो इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड, यानी कि पासवर्ड के द्वारा आप अपने डॉक्यूमेंट को सिक्योर करना चाहते हो, सिंपली इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप वो पासवर्ड डालो जो आप लगाना चाहते हो, कुछ भी आप अपने मर्जी से कुछ भी पासवर्ड दे सकते हो। बस ये बात ध्यान रखना कि आप जो भी पासवर्ड दे रहे हो वो आपको खुद याद रहना चाहिए। इन फ्यूचर यदि आप खुद पासवर्ड भूल जाते हो तो भैया पासवर्ड हटाने का जो तरीका है वो बहुत लेंदी है, ठीक है? तो भैया खुद का पासवर्ड आपको हमेशा याद रखना है कि हमने जो पासवर्ड लगाया है वो क्या था, ठीक है? तो हमेशा ऐसा पासवर्ड लगाओ जो खुद याद रख सको, क्योंकि अगर पासवर्ड खुद भूल गए तो आप खुद भी उसे ओपन नहीं कर पाओगे, अपने डॉक्यूमेंट को आप खुद भी ओपन नहीं कर पाओगे। चलिए, मैं पासवर्ड लगा देता हूं, ठीक है? आप कुछ भी पासवर्ड लगा सकते हो। यहां पर देख रहा है री इंटर पासवर्ड, यानी कि आप अपने जो पासवर्ड लगाए हो उसको फिर से इंटर करो ताकि आप खुद याद रख सको कि मैंने पासवर्ड क्या लगाया था। तो मैं 1 2 जो भी मैं लगाया था वो फिर से कर दिया, फिर ओके आप पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पासवर्ड इज रिक्वायर्ड टू ओपन दिस डॉक्यूमेंट, इस डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए आपको पासवर्ड की जरूरत है। चलिए, मैंने इस पे पासवर्ड लगा दिया, अब इसको हम क्लोज करते हैं। पहले यहाँ पे देखो, आपने यहाँ पे दे रहा है डू यू वांट टू सेव चेंजेस यू मेड टू सर्टिफिकेट, यस, क्योंकि हमने जो भी चेंज किया वो हम स्वीकार करते हैं, ठीक है? अब देखिए बाहर आ गया, अब देखिए मैं इस पे पासवर्ड लगा चुका हूँ सर्टिफिकेट वाले पे। अब मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ आपको, देखिए ये पासवर्ड मांगेगा। जब तक आप पासवर्ड इंटर नहीं करोगे आपका डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन नहीं होगा, पासवर्ड सिर्फ आपको ही पता रहेगा क्योंकि आपने इस पर पासवर्ड लगाया था। एक्चुअली मैं पासवर्ड जो लगाया था वो इंटर करके आपको दिखाता हूँ, ये मैं जो भी पासवर्ड लगाया था उसे फिट करता हूँ, फिर ओके पे क्लिक करना है, तो वो सर्टिफिकेट खुल गया। यदि आप गलत पासवर्ड डालोगे तो ओपन नहीं होगा, ठीक है दोस्तों? चलिए एक बार मैं गलत पासवर्ड लगा के दिखाता हूँ कि क्या लिखता है, अब देखते हैं क्या लिख रहा है। द पासवर्ड इज इनकरेक्ट, जब आप गलत पासवर्ड दोगे तो नहीं खुलेगा। बस एक बात आपको ध्यान रखना है भैया कि जो पासवर्ड आप लगा रहे हो आपको खुद याद होना चाहिए, अगर आप पासवर्ड भूल गए तो भैया दिक्कत हो जाएगा फिर, ठीक है दोस्तों? अच्छा, मैंने एक बुक बनाया फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर नाम से, वो मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। इस पर कोई पासवर्ड नहीं लगा तो ये ऐसा ही ओपन हो जाएगा। ये मेरा
किसी भी डॉक्यूमेंट को एमएस वर्ड में पूरी तरह से ओपन करने के लिए इसका सिंपल सा शॉर्टकट की है Ctrl+F2। देखिए क्या होता है, Ctrl+F2 मैं दबाऊंगा तो देखिए इस तरह कुछ ओपन होकर आ जाएगा। आप सिंपली यहीं से आप इसको यहां पे आप देख सकते हो पेज नंबर दिया हुआ, आप माउस से क्लिक करके आप अपना पेज जो है वो चेंज कर सकते हो। तो यहां से बहुत छोटा हो जा रहा है, दिख नहीं रहती है, तो चलिए मैं इसको बड़े में कर देता हूं। तो ये बड़े में हो गया, आप देख सकते हो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर नाम से मैंने बुक बनाया, जिसे आप देख लो क्योंकि इसमें भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिखा हुआ है, उसके बारे में आप जान सकते हो। आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा हो। ये टेबल ऑफ कंटेंट है, टेबल ऑफ कंटेंट बनाने का एक तरीका होता है, वो आपको रेफरेंस मेनू में मिलेगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब मैं रेफरेंस मेनू के बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देख सकते हो ये मेमोरी का डायग्राम है, हमारे सिस्टम में दो तरह की मेमोरी होती है, एक तो प्राइमरी मेमोरी यानी कि मेन मेमोरी जो रैम और रोम हो गया, दूसरी सेकेंडरी मेमोरी जैसे कि जो हम लोग लगाते हैं किसी भी चीज़ को सेव करने के लिए, मतलब हम लोग जो एक्सटर्नल मेमोरी लगाते हैं उसे सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं, जैसे हमारा HDD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, HDD हो गया यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव हो गया, जो हम अपने कंप्यूटर अपने सिस्टम में लगाते हैं सेव करने के लिए मेमोरी की तरह, जो एक्सटर्नल मेमोरी है, DVD हो गया, पेन ड्राइव हो गया, ये सब एक्सटर्नल मेमोरी है जो हम लोग लगाते हैं। सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी होता है जो एक्सटर्नल मेमोरी होता है, जैसे यूजर लगाता है डॉक्यूमेंट या फोल्डर फाइल वीडियो ऑडियो सेव करने के लिए, मतलब कंप्यूटर सिस्टम में रखने के लिए। और प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो मेन मेमोरी होती है, जो इनबिल्ड होता है, जो हमारे कंप्यूटर के अंदर होता ही होता है, उसके बिना हमारा कंप्यूटर चलेगा ही नहीं, जैसे रैम हो गया और रोम हो गया। भैया रैम के भी दो प्रकार होते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो DRAM यानी कि डायनेमिक रैम, SRAM यानी कि स्टैटिक रैम, रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। रोम का काम ये होता है दोस्तों कि जैसे ही आप अपने सिस्टम को कंप्यूटर को ओपन करते हो तो आप देखोगे, जैसे आप HP का आपने लैपटॉप लिया या आपका जो CPU वो HP का, ओपन करोगे तो आपके मॉनिटर पे आपके स्क्रीन पे HP लिखा हुआ शो करता है, वो HP कहाँ से आया? तो दोस्तों वो HP जो लिखा है वो हमारे रोम पे यानी कि रीड ओनली मेमोरी पे प्रोग्रामिंग किया गया है, इसी वजह से वो हम लोग ओपन करते के साथ आपका कंप्यूटर का नाम लिखता है। वो नाम इसलिए लिखता है क्योंकि वो प्रोग्रामिंग किया गया है आपके रोम पे, वो सिस्टम को जब मैन्युफैक्चर होता है उस समय ही प्रोग्रामिंग कर दिया जाता है। इसका नाम ही है रीड ओनली मेमोरी, मतलब केवल आप पढ़ सकते हो उसको, आप कुछ बदलाव नहीं कर सकते उसमें, ये है रोम। रोम भी एक है प्रोग्रामेबल रोम जो अभी मैंने बताया, एक है ईपी रोम यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। हालांकि अब जो कुछ रोम आते हैं जिसे इरेजेबल किया जा सकता, इरेजेबल यानी कि जो पहले से प्रोग्रामिंग किया गया है उसे आप हटा के फिर से दोबारा कुछ भी प्रोग्रामिंग कर सकते हो, लेकिन दोस्तों जो पहले से रोम में कुछ जो प्रोग्रामिंग किया है उसको इरेज करना सबकी बस की बात नहीं है, उससे केवल हाईली प्रोफेशनल प्रोग्रामर ही कर सकते हैं, उसके लिए भी एक डिवाइस आता है। पहले तो भैया आपका जो रोम लगा हुआ है मदरबोर्ड के चिप पे उसको निकालना पड़ता है, निकालने के लिए भी एक मशीन आता है, उसको भैया हीट करके निकालते हैं, फिर रोम को निकालने के बाद एक डिवाइस आता है उसमें डालते हैं, फिर उसको प्रोग्रामेबल प्रोग्राम मतलब जो भी प्रोग्राम हमें देना है वो देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब प्रोग्राम देना भैया सबके बस की बात नहीं है, वो हाईली एजुकेटेड जो मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में महारत हासिल किया है वही रोम पे प्रोग्रामिंग कर सकता है। फिर है ईपी रोम यानी कि इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामिंग रोम, ये भी वैसा ही है। चलिए मेमोरी में रैम रोम यही था, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में हमारा रैम रोम है, सेकेंडरी मेमोरी में जो एक्सटर्नल मेमोरी है जैसे कि हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड डिस्क ड्राइव, DVD, पेन ड्राइव, CD, DVD जो बोल लो, ETC, ETC। डिफरेंस बिटवीन SRAM एंड DRAM, स्टैटिक रैम और DRAM में क्या डिफरेंस है, तो आप एक बार देख के समझ जाओ। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो कि दोनों में क्या डिफरेंस है, आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा हो। सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर भैया इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप एक बार देख के पढ़ के समझ जाओ। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों जो हमारे हार्डवेयर डिवाइस को रन करवाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है, इसके बिना आपका जो कंप्यूटर है वो चलेगा नहीं।
सिस्टम सॉफ्टवेयर ही यूजर और हार्डवेयर यानी कि यूजर जैसे कि हम लोग और हमारे कंप्यूटर सिस्टम के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है। जैसे हमारा विंडो हो गया, अगर आपके कंप्यूटर में विंडो ही नहीं रहेगा, जैसे विंडो 7, 10, 11 जो भी बोल लो, विंडो XP, विफ्टा, यदि विंडो ही नहीं रहा तो आप अपने कंप्यूटर का कुछ भी यूज नहीं कर सकते। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे हार्डवेयर डिवाइस से यूजर का इंटरफेस करवाते हैं, इंटरफेयर करवाते हैं। इसका सिंपल सा एग्जाम्पल है विंडो 10, विंडो 7, विंडो XP, विंडो विफ्टा, विंडो 8.1 वगैरह वगैरह। ठीक है दोस्तों, आप एक बार पॉज करके इसे एक पढ़ सकते हो, वीडियो को पॉज करके। यहाँ पर थोड़ा स्पेलिंग ध्यान देना, ये मैनेज द कंप्यूटर डिटेल, यहाँ पे स्पेस नहीं है। ठीक है, अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या हुआ भैया? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं दोस्तों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उन सॉफ्टवेयर को बोलते हैं जो यूजर अपने आवश्यकता के अनुसार अपने कंप्यूटर अपने सिस्टम में इंस्टॉल करता है। ठीक है, जैसे भैया हमें फोटो एडिटिंग करना है तो फोटोशॉप सॉफ्ट हो गया, हमें कॉमर्स के स्टूडेंट है तो हमें टैली चाहिए तो टैली हो गया, नेट चलाना है, वीडियो ब्राउजिंग करना है तो हमारा क्रोम हो गया, क्योंकि ये सब हम लोग इनबिल्ट नहीं होता, जो है हम यूजर इसको इंस्टॉल करते हैं। जो भी सॉफ्टवेयर यूजर इंस्टॉल करता है अपने कंप्यूटर सिस्टम में उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, फाइव आइकन इनबिल्ट इन योर सिस्टम, मतलब जब भी आप कोई भी कंप्यूटर सिस्टम खरीदते हो तो उसमें पांच आइकन जो है वो पहले से ही मौजूद होते हैं। उसमें पहला हम माई कंप्यूटर जो आजकल डिस्क PC नाम से आता है, रिसाइकल बिन हो गया, यूजर फाइल हो गया, कंट्रोल पैनल हो गया, अब माई नेटवर्क प्लेस हो गया। ये पांचों आइकन जो हैं आपके सिस्टम में बिल्ट होते हैं, आप जब भी नया कंप्यूटर खरीदोगे तो ये पांचों आइकन जो आपके कंप्यूटर में वो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है दोस्तों, CPU क्या होता है भैया? तो CPU के बारे में आप जानते हो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप वीडियो को पॉज करके एक बार इसके बारे में नॉलेज ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, कैशे मेमोरी क्या होता है भैया? कैशे मेमोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट मेमोरी है, एक बार आप ध्यान से इसके बारे में पढ़ना, और ज्यादा जानकारी के लिए आप ऑनलाइन सर्च भी कर सकते हो, लेकिन कैशे मेमोरी क्या होता है इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम में कैशे मेमोरी पे क्वेश्चन आता ही आता है। तो बेहतर होगा कि कैशे मेमोरी के बारे में आप डीपली नॉलेज जो है वो कहीं ना कहीं से जरूर ले लें। कैशे मेमोरी इज ए हाई स्पीड सेमी कंडक्टर कंप्यूटर मेमोरी विच इज यूज टू इंक्रीज द स्पीड एंड परफॉर्मेंस ऑफ CPU। कैसे मेमोरी एक हाई स्पीड सेमी कंडक्टर कंप्यूटर मेमोरी होता है जो हमारे CPU को यानी कि माइक्रो प्रोसेसर के स्पीड और परफॉर्मेंस को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, इट इज लोकेटेड इन बिटवीन द CPU एंड रैम। ये कहाँ होता है? तो भैया मदरबोर्ड में ये CPU यानी कि माइक्रो प्रोसेसर जो है और रैम जो है उसके बीच में होता है दोस्तों। इट स्टोर डाटा इन MB, ये जो डाटा स्टोर करता है वो MB में करता है, ध्यान दीजिएगा, MB में करता है यानी कि बहुत ही कम स्पेस ये लेता है। और ये भी रैम की तरह होता है, मतलब वोलेटाइल, सॉरी सॉरी सॉरी, ये रैम की तरह वोलेटाइल मेमोरी होता है। कैसे मेमोरी? वोलेटाइल का मतलब क्या हुआ दोस्तों? वोलेटाइल का मतलब वो हुआ कि जो डाटा है वो परमानेंट नहीं रहता, टेम्परेरी रहता है, यानी कि जब तक लाइट है तब तक तो डाटा रहेगी, लाइट कटा तो डाटा खत्म। मतलब आप कोई काम कर रहे हो और लाइट चला गया तो वो जब आप दोबारा से कंप्यूटर को ऑन करोगे तो वो काम वहां पे नहीं रहेगा, वो वहां से हट जाएगा, क्योंकि ये लोग टेम्परेरी मेमोरी होता है, रैम मेमोरी और कैशे मेमोरी भी। ये डाटा जो है वो परमानेंट नहीं रखता, कुछ देर के लिए ही रखता है, जब तक बिजली रहेगी तब तक है, बिजली गया तो आपका डाटा भी खत्म। तो ये है कैशे मेमोरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेमोरी होता है ये। एडवांटेजेस ऑफ कैसे मेमोरी, आप एक बार, सॉरी क्लियर पिक्चर नहीं आ रहा, हाँ क्लियर आया, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो एडवांटेजेस ऑफ कैसे मेमोरी के बारे में। कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है? तो उसके बारे में मैंने यहाँ पर जानकारी दिया है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। लो लेवल लैंग्वेज क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, आप पढ़ सकते हो। कंप्यूटर लैंग्वेज दो लैंग्वेज होते हैं, कंप्यूटर में दो लैंग्वेज होते हैं, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है दोस्तों, टाइप ऑफ ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर कंप्यूटर में कितने होते हैं तो आप देख के एक बार वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। तीन तरह के होते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर।
तीन के क्या काम है वो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। नंबर सिस्टम इन कंप्यूटर सिस्टम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बहुत सारे एग्जाम में नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आता ही आता है भैया। इसके बारे में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप नंबर सिस्टम इन कंप्यूटर सिस्टम के बारे में डीपली कहीं से भी नॉलेज जो है वो हासिल कर लें, क्योंकि एग्जाम में इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आते ही आते हैं। यहाँ पे मैं डिटेल में तो आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आप इसके बारे में डिटेल से पता जरूर करिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते होंगे तो इससे वीडियो का पॉज करके पढ़ लो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये डायग्राम क्या है आप इसके एक बार वीडियो को पॉज करके पढ़ लो, और इसके बारे में आप ऑनलाइन भी सर्च करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हो। एमएस डॉस के बारे में मैंने पहले भी वीडियो में आपको बता रखा है। ये एमएस डॉस का जो कमांड है कुछ भैया, ओएस का फंक्शन क्या है यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन क्या है, तो ये देख सकते हो। बूटिंग है, मेमोरी मैनेजमेंट है, डिस्क ड्राइव मैनेजमेंट है, डिवाइस कंट्रोल है, यूजर इंटरफेस है, प्रोसेस मैनेजमेंट, डाटा सिक्योरिटी, लोडिंग एंड एग्जीक्यूशन, ये सब ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन है। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित हो। और मैं यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको ऐसे इंपॉर्टेंट जानकारी देता रहता हूँ। तो जय हिंद दोस्तों, रखिए अपना ख्याल, बाय बाय।